हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे JNU MSc बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे, तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में है। ये सेशन फोर्थ नंबर सेशन है या फोर्थ वीडियो कह सकते हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 1 से लेकर 3 वीडियो तक बना दिया, जिसका लिंक इस वीडियो के आई सिंबल में भी आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग फोर्थ वीडियो में क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं 91 क्वेश्चन में। लास्ट वीडियो में यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, तो चलिए इससे आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इन द प्लांट। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट की ज़रूरत है? तो वो होता है मैग्नीशियम। आपको मालूम है मैग्नीशियम 2+ ज़रूरत है क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, और इसके साथ में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फर्दर फोटोसिंथेसिस होता है और वहाँ पर बहुत सारे साइटोक्रोम्स रहते हैं, तो साइटोक्रोम्स में क्या चाहिए? आयरन। तो मैग्नीशियम और आयरन दोनों के रिक्वायरमेंट है, आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? जहाँ पर हम लोग किसी जीन को क्लोन करते हैं टीआई प्लाज्मिड में, और जहाँ पर ये जीन क्लोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टी प्लाज्मिड। तो ये टी प्लाज्मिड ही इंसर्ट होने वाला है किस में? प्लांट के जीनोम में। सपोज ये प्लांट का जीनोम है, तो यहाँ जाकर ये वाला इंसर्ट होगा, और इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन का। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्टेन प्रॉपर स्टेप्स होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्लांट को यूज़ करते हैं। एक्सप्लांट मतलब वो प्लांट जिन पे हम लोग ये करने वाले एक्सपेरिमेंट। उसका कैलस निकालेंगे, उसका सूट फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन होगा, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल होने के बाद में कैलस का फॉर्मेशन होगा, फिर उससे नया प्लांटलेट और फिर प्लांट बनेगा जिसमें वो जीन एक्सप्रेस करके डिजायर्ड कैरेक्टर अपीयर होंगे। तो आंसर है फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वीर प्रोटीन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ टी डीएनए इनटू एग्रोबैक्टर फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम टू प्लांट सेल्स। तो यहाँ पर बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ ये टी प्लाज्मिड को इंसर्ट कराने में, यहाँ से रिलीज कराने में और पास कराने में, ट्रांसफ़र कराने में और इंसर्ट कराने में बहुत सारे जीन का रोल है, जो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इस टी आई प्लाज्मा में। तो ये सारे का अलग अलग रोल है, लेकिन यहाँ पे पूछ किसका रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ टी डीएनए, यानी इस यहाँ से ये रिलीज होंगे, ये टी डीएनए रिलीज होगा और ये फिर प्लांट में जाएगा। तो इस ट्रांसफ़र के लिए कौन सा जीन का ज़रूरत है? तो यहाँ पर होता है VD2 एंड E2, डी एंड ई सीक्वेंस में आते हैं, तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर रिसेसिव टू देयर रिस्पेक्टिव वाइल्ड टाइप ए बी सी इफ़ द इंडिविजुअल हेटरोजाइगस ऑफ 3 लोसाई देन ओके। तो वाइल्ड टाइप करेक्टर, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक पेरेंट है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और इनका क्रॉसिंग होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्म करके ये जब इंडिविजुअल बनेंगे तो हेटरोजाइगस बनेंगे। अब ये बोल रहा है कि इसका जब सेल्फिंग होगा, ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है, इनका जब सेल्फिंग होगा तो ये कितने गैमेट, अच्छा सेल्फिंग होगा तो ये गैमेट पहले बनेंगे, उसके बाद में उनका आपस में सेल्फिंग होगा, तो गैमेट कितने टाइप में बनेंगे? 8, क्योंकि हेटरोजाइगस कैरेक्टर कितना है? 1 2 3। तो गैमेट का क्या फॉर्मूला होता है? 2 to the power n, वेर एन इज नंबर ऑफ हेटरोजाइगस। तो यहाँ पे 3 हेटरोजाइगस है, तो 8 गैमेट बनेगा। अब ये 8 गैमेट आप पनेट क्रॉसिंग कर सकते हैं, एक 8 इस तरफ हॉरिजेंटल प्लेस कर सकते हैं, दूसरा 8 आप इस तरफ वर्टिकल प्लेस कर सकते हैं, और क्रॉसिंग करना है आपको सारे के साथ में। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो सारे इन क्रॉसिंग के बाद में, सेल्फिंग करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, टोटल कितने आएंगे? 8 और 8, 64। टोटल 64 कॉम्बिनेशन बनेगा। इस 64 में आपको फाइंड आउट करना है वो सारे कैरेक्टर या जीनोटाइप जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी होगा। यहाँ पर उनके साथ में, इनके साथ में स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या देखना है, सिर्फ कैपिटल ए इसके साथ में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल बी इनके साथ में है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल सी इनके साथ में है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही तीनों वाइल्ड टाइप है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो इस तरह के कितने नंबर होंगे इस आउट ऑफ 64 में, यही फाइंड आउट करना है। तो इसका नंबर आप कीजिएगा, इसका नंबर आएगा 27 आउट ऑफ 64। ये मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि उतना स्पेस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो आप लोग ये कीजिएगा। ये आंसर आएगा सिक्स, आंसर होगा डी, 27/64। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन जेनेटिक कंडीशन टू डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन आर एक्सप्रेस लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ टू स्लाइटली डिफरेंट प्रोटीन। इन सच वेरिएट सिचुएशन बोथ द वेरियंट एलील डिटरमाइन आउटकम ऑफ फिनोटाइप। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जीनोटाइप ए रहता है तो कुछ अलग कैरेक्टर, जीनोटाइप बी रहता है तो कुछ अलग कैरेक्टर, दोनों साथ में रहते हैं तो तीसरा कैरेक्टर, ठीक है, दोनों नहीं रहते हैं तो चौथा कैरेक्टर। इसका मतलब है ये को डोमिनेंस शो कर रहा है, जब अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग कैरेक्टर, साथ में रहेंगे तो कोई डिफरेंट कैरेक्टर। यही यहाँ पे बोल रहा है, बोथ द वेरियंट एलील डिटरमाइन द आउटकम ऑफ फिनोटाइप प्रेजेंटेशन, दोनों डिटरमाइन करेंगे, ये भी और ये भी। यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव वाला नहीं चलेगा, तो यहाँ को डोमिनेंट वाला फैक्टर है। आंसर होगा बी, जस्ट लाइक ब्लड ग्रुपिंग, इन पर्टिकुलर प्लांट द मोनोप्लॉइड नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम इज 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ गैमेट दिस प्लांट इज। तो मोनोप्लॉइड क्या होता है, मोनोप्लॉइड जैसा नाम बता रहा, मोनो मीन्स मिनिमम नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये जो एन है ये क्या शो कर रहा है, मोनोप्लॉइड। इसका मतलब है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो है उसका, जैसे हम लोग 46 क्रोमोसोम नंबर है, तो हम लोग के अंदर मोनोप्लॉइड क्या होगा, इसका हाफ यानी 2 × 23 करते हैं तो ये क्या आ जाएंगे, 46 यानी 23 क्या होगा, मोनोप्लॉइड। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं, हो सकता टेट्राप्लॉइड हो, ह्यूमन टेट्राप्लॉइड हो, तो टेट्राप्लॉइड होगा तो कितना होगा, 46 × 2 यानी ये हो जाएंगे 92। तो यहाँ पर 4 × n होगा, ठीक है। अच्छा गैमेट क्या होता है, गैमेट यहाँ हैप्लॉइड होंगे तो गैमेट यहाँ पर टेट्राप्लॉइड कितना हो गया, 23 इस केस में, और गैमेट यहाँ पे कितना होगा, 92 का हाफ होगा। गैमेट इज ए हाफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, वो टेट्राप्लॉइड हो या पेंटाप्लॉइड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ। तो 92 का हाफ कितना होगा, 46। तो 46 गैमेट, लेकिन टेट्राप्लॉइड अगर ऑर्गेनिज्म है तो उनके गैमेट कितना होंगे, 46, लेकिन मोनोप्लॉइड के नंबर क्या होगा, 23। होप सो कि ये समझ में आया। तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसका आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर देखिए, अब बोल रहा है कि मोनोप्लॉइड का नंबर 1/4 ऑफ क्या है, गैमेट। तो इसका मतलब गैमेट इज 4 times ऑफ मोनोप्लॉइड, ठीक है, और गैमेट का डबल नंबर क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म का नंबर, तो इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 8m, यानी ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली है क्या, ये ऑर्गेनिज्म है 8 times ऑफ मोनोप्लॉइड यानी ऑक्टाप्लॉइड। होप सो कि ये समझा, तो आंसर होगा इसका बी। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो सिंपल है, न्यूरोस्पोरा क्रासा। वन जीन वन एंजाइम ने किन्होंने दिया था, बेडल एंड टेटम ने, जिन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रासा, पिंक ब्रेड मॉल्ड भी इनको बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर काम किया था। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाई क्रॉसिंग इट विद द रिसेसिव इंडिविजुअल। ओके, तो किसी का भी जीनोटाइप अगर डिटरमाइन करना है क्रॉसिंग विद रिसेसिव पेरेंट, तो वो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। तो आंसर होगा बी। लार्वल स्टेज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट स्टेज आर नॉट, बोल रहा है नॉट फाउंड इन द डेवलपमेंट ऑफ रेप्टाइल। रेप्टाइल में लार्वल स्टेज जो होते हैं, यानी लार्वल स्टेज तो होता नहीं है, तो ये एडल्ट से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, बस साइज में डिफरेंट होंगे, तो इनमें हम लोग इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हार्मफुल पैलेटेबल स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई हैज इवॉल्व्ड इन कलरेशन एंड पैटर्न ऑफ डिफरेंट स्पीसीज
ऑफ टॉक्सिक अनपलेटेबल एंड नॉक्सियस बटरफ्लाई, दिस इज नोन एज। ओके, तो ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे एक बटरफ्लाई है जो दिखने में बहुत सिंपल लगती हैं और इसीलिए बहुत सिंपल हैं, हार्मफुल भी नहीं है, नॉन हार्मफुल, हार्मलेस, इसीलिए इसके ऊपर प्रेडेटर इजीली इसको क्या करते हैं, प्रे कर जाते हैं, इनको खा जाएंगे क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है, कुछ भी नहीं करती उनको, तो ये तो इनका नंबर क्या होगा, धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएगा। तो ये अपने आप को इवॉल्व करेंगी और अब ये इनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये क्या दिख रहे हैं, ज़्यादा डरावने, हार्मफुल, ठीक है, जिसके टॉक्सिक, नॉन प्लेटेबल, नॉन प्लेटेबल के मतलब नहीं खाया जा सकता, नॉक्सियस। तो इस तरह का जो चेंजेस होता है, इस चेंजेस को क्या बोलेंगे, तो इस चेंजेस को बोलते हैं बैट्सियन मिमिक्री। फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, मिक कर रहे हैं, अपने को दिखा रहे हैं, डरावना दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं बैट्सियन मिमिक्री। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन एंड थायरोक्सिन अराइव्स एट एन ऑर्गन एट द सेम टाइम, थायरोक्सिन एलिसिट्स ए रिस्पॉन्स इन द ऑर्गन बट इंसुलिन डज नॉट। ओके, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सेल्स के अंदर यहाँ पर इंसुलिन भी आ रहा है और थायरोक्सिन भी आ रहा है, बट थायरोक्सिन अपना इफेक्ट दिखा पा रहा है लेकिन इंसुलिन अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है। रीज़न, तो थायरोक्सिन बेसिकली है क्या, लिपिड सॉल्युबल, और इंसुलिन क्या है, लिपिड इनसॉल्युबल, ये लिपिड इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो जब थायरोक्सिन लिपिड सॉल्युबल होगा तो ये क्या होगा, डायरेक्टली ये रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेंगे, सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना हुआ, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, अंदर की तरफ चले जाएंगे, थायरोक्सिन डायरेक्टली सेल के अंदर चले जाएंगे, डीएनए के साथ बाइंड कर जाएंगे, नया प्रोटीन बनाएंगे और वो प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, लिपिड सॉल्युबल सिग्नल मॉलिक्यूल इज़ वेरी फास्ट इन शोइंग इट्स एक्टिविटी और इट्स फंक्शन, वाइल हाइड्रोफिलिक और लिपिड इनसॉल्युबल, इंसुलिन को क्या चाहिए, यहाँ रिसेप्टर, कि रिसेप्टर से पहले बाइंड करे तब फिर अंदर में सिग्नल जाए और फिर प्रोसेस स्टार्ट हो, तो लेट प्रोसेस होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा थायरोक्सिन इज ए लिपिड सॉल्युबल हार्मोन व्हाइल इंसुलिन इज नॉट, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म प्लांट विद डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म सेल विल बी, ये तो इजी क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म हमेशा एंजियोस्पर्म का 3N होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है क्लास 11 12th में, एनसीईआरटी की बुक में डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर ऑर्गेनिज्म एंजियोस्पर्म 20N का डिप्लॉयड नंबर, तो हैप्लॉयड क्या हो जाएंगे, N इज इक्वल टू हाफ 10, तो 3 × 10 यानी एंडोस्पर्म क्या होगा, 30, आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर आर फॉर्म्ड बाय सोमैटिक रिकम्बिनेशन ऑफ द जीन, जेनेटिक्स में पढ़ा था सोमैटिक रिकम्बिनेशन, जहाँ पर रिशफलिंग होता है डिफरेंट जीन का और डिफरेंट वेरिएंट बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, बी सेल रिसेप्टर में और टी सेल रिसेप्टर में, ये दोनों जगह होते हैं, क्यों होते हैं, ये वेरिएबल क्यों होता है, एक ही जीन से डिफरेंट टाइप के एंटीजन बाइंडिंग सिक्वेंस को सिंथिसाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर बी सेल रिसेप्टर एज वेल एज टी सेल रिसेप्टर, तो आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड, बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैम्ब्रस क्रोमोसोम ऑफ एम्फीबियंस ऊसाइड डिफर फ्रॉम द पॉलीटिन क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला सलाइवरी ग्लैंड इन दैट द फॉर्मर आर वाइल लेटर आर। ओके, लैम्ब्रस क्रोमोसोम एम्फीबियन ऊसाइड में होते हैं और ये हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव का मतलब है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है, यानी इससे एमआरएनए बनेगा, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओसाइट्स में, एग में, तो ये हाईली एक्टिव रहते हैं, वाइल पॉलीटीन जो क्रोमोसोम होता है जो गट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड इन द ड्रोसोफिला इंसेक्ट में डायप्टेरियन ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वो हाईली कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होगा तो इनको मेटाबॉलिकली या ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे, क्योंकि इनको ओपन करना होगा तब एमआरएनए का सिंथेसिस होगा, ये तो क्लब टुगेदर है, तो इनएक्टिव है, हेटरोक्रोमेटिन बोल सकते हैं इसको, और ऊपर वाला ये जो है लैम्ब्रस क्या होता है, ई क्रोमेटिन, एक्टिव फॉर्म ऑफ जीन,
तो ये ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिव आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू प्रोटो एंड्री। ओके, प्रोटो एंड्री का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल की तरह बिहेव करे बट ए डिफरेंट टाइप। जनरली मेल पहले बनेंगे और उसके बाद ये बन जाते हैं फीमेल। ठीक है, तो जनरली ये क्या करते हैं कि अब स्पर्म रिलीज मैच्योर हुए, ऑर्गेनिज्म मैच्योर हुआ, मेल में पहले कन्वर्ट हुआ, तो ये स्पर्म बना लेंगे पहले और फिर फर्दर ये कन्वर्ट कर जाएंगे फीमेल में और एक रिलीज़ कर देंगे और अपने ही स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करा देंगे एक। ठीक है, तो ये होता है इंडिविजुअल स्टार्ट एज ए मेल एंड लेटर बिकम फीमेल, इसको बोलते हैं प्रोटो एंट्री। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही तक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, वो लास्ट सेशन होगा जिसमें हम लोग बाकी के क्वेश्चन बायोलॉजी के कर लेंगे। होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी आपके जेन्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।